वेलकम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जी हां, राइस स्मार्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पर मैं संजीव आर्य करता हूं आपका स्वागत। और आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी साइंस पेडागोजी की। और जैसा कि मेरे इंट्रोडक्शन आपके सामने है तो मैं डील करता हूं पेडागोजी, मतलब साइंस पेडागोजी भी मैं ही डील कर रहा हूं। तो आपको यहां पर आज हम जानेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अप्रोचेस ऑफ साइंस लर्निंग या साइंस टीचिंग। जब हम विज्ञान पढ़ाने जाते हैं तो हमें कौन सी अप्रोच का प्रयोग करना पड़ता है। द वेरी फर्स्ट थिंग हम ये जानेंगे। आफ्टर दैट वो अप्रोचेज होती क्या है, क्या क्या उनकी पहचान है, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम साथ के साथ करते ही हैं डेली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी को भाई गुड इवनिंग। इरफाना मुदस्सर जी, पूजा आर्या जी, रेणुका कश्यप एंड चंचल चौहान, सभी को गुड इवनिंग। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और जो रहेगी हमारी साइंस पेडागोजी या विज्ञान शिक्षण शास्त्र। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? अप्रोचेज टू टीचिंग, अप्रोचेज ऑफ टीचिंग साइंस, विज्ञान शिक्षण शास्त्र के उपागम। जी हाँ, कौन से उपागमों का हम प्रयोग करते हैं जब हम साइंस टीचिंग करते हैं, आज हम बात करेंगे इसकी। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, ये केवल साइंस टीचिंग नहीं है, ये केवल आपका साइंस पेडागोजी नहीं है, ये आपके ईवीएस के लिए भी वैल्यूएबल चीज है। एंड आफ्टर दैट यदि आप तैयारी कर रहे हैं DTTB की, KVS की, NVS की या किसी भी अन्य गवर्नमेंट टीचर बनने के एग्जाम की, तो ये आपके लिए बड़ी ही वैल्यूएबल क्लासेस होती हैं। तो आपको बड़े ही ध्यान से, बड़े ही तरीके से आपको इन चीज़ों को देखना है, समझना है, और अकॉर्डिंगली ही आपको उनके आंसर्स भी देने हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि हम आमतौर पर शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट है वो क्या कहता है? If you dream of success, make sure you are awake. जी हाँ, यदि आप एक सपना देख रहे हैं सक्सेस का, सफलता का, तो आपको इस बात को श्योर रहना पड़ेगा कि आप जाग रहे हैं। आपको वो सपने नहीं देखने हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, आपको वही सपने देखते हैं जो जागते हुए देखने हैं। क्यों? क्योंकि वही सपने सफल होते हैं और उसके लिए ही आप भरसक प्रयास करते हैं। तो भाई आज की क्लास इसी एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। जी हाँ, अप्रोचेज ऑफ टीचिंग साइंस। ठीक है जी, अप्रोचेज ऑफ टीचिंग साइंस। यदि आप बच्चे को साइंस पढ़ाना चाहते हैं, विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि साइंस एक ऐसा विषय है जिसे सुनकर ही दिमाग में आता है कि ये तो बहुत अधिक इंटेलिजेंट बच्चों के लिए होता है, या ये एक अलग ही विषय है। जैसा कि मैंने कहा, विज्ञान है ये, है ना, एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जिसको हर बच्चा नहीं ले पाता है, एक ऐसी सोच होती है। लेकिन हमें क्या करना होता है कि भाई बच्चे को फिर भी सिखाना ही है, तो हमें उसके लिए वेरियस मेथड्स का यूज करना पड़ता है और उसके साथ ही अलग अलग अप्रोचेज का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहली बात आती है कि अप्रोच या उपागम। ठीक है, अप्रोच या जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, उपागम, होता ही क्या है? ठीक है जी, अप्रोच या उपागम का मतलब क्या होता है? इट इज ए वे ऑफ थिंकिंग एंड वर्किंग इन ए सेट डायरेक्शन सो एज टू अकम्प्लिश सर्टेन गोल। ये हमें एक डायरेक्शन दिखाता है, ये हमें एक रास्ता दिखाता है, ये हमें एक वे दिखाता है जिस पर हम चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जी गुड इवनिंग सुशील कुमार जी, पूजा कौशिक जी, प्रीति नेगी जी, आप सभी को गुड इवनिंग। और IAS दिव्यांशु जी को हेलो, और चंचल चौहान जी को भी हेलो। चलिए जी, ठीक है, तो मतलब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक रास्ता है जिससे चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जो अप्रोच होती है वो है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अप्रोच के अंदर ही अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, अप्रोच एक बड़ा पार्ट है, उसी के छोटे छोटे पार्ट से क्या मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम पर्टिकुलरली साइंस टीचिंग की बात करेंगे कि इसके अंदर हम कौन सी अप्रोचेस को लेकर चलते हैं। कुछ अप्रोचेस कॉमन होती हैं, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, जो कि हमारे मतलब एक कॉमन सेंस से होती है, जो पर्टिकुलरली साइंस से ही रिलेटेड है। आज हम उनकी बात करेंगे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं आज हम किन अप्रोचेस की बात करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट वन विल बी टीचर सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें जो शिक्षक केंद्रित होती है, जहां पर जो शिक्षक होता है वो मेन अथॉरिटी फिगर होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आज बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आफ्टर दैट लर्नर या चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित, जिसमें बच्चों को केंद्र में रखकर चीजों को उनके अकॉर्डिंग ही किया जाता है, ये एक अप्रोच होती है। आफ्टर दैट अब यहां से आ जाता है भाई सब्जेक्ट मैटर सेंटर। जब हम सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग चलते हैं भाई, जो हमारी पुस्तकों में दिया गया है हम उसी के अकॉर्डिंग यदि पढ़ाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट सेंटर्ड। और यहां से शुरू होते हैं हमारे क्या, पर्टिकुलरली जो हम आज डिस्कस करेंगे साइंस से रिलेटेड जो हमारी अप्रोचेज होंगी डिफरेंट, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट या रचनावादी, जो हमारा एक उपागम है वो क्या होता है, उससे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। आफ्टर दैट 5E लर्निंग मॉडल, 5E लर्निंग मॉडल क्या है, ये क्या है 5E? यदि आप में से किसी को भी पता है इन 5E के बारे में तो प्लीज आप मैसेज करके बताएंगे कि क्या है ये 5E। जी हाँ, इरफाना मुदस्सर जी आपको गुड इवनिंग। जी हाँ, आगे देखते हैं कोलैबोरेटिव अप्रोच या सहयोगात्मक उपागम, ठीक है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, या इसको देखिए आपको समझना है, यदि आपके एग्जाम में PSA भी लिखा आता है तब भी आपको वहां पर पकड़ लेना है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की बात कर रहा है। एग्जाम में कोई आवश्यक नहीं कि आपको बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट लिख के दे, उसके एब्रीवेशन भी दे सकते हैं। तो आपको समझना है PSA स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच या समस्या समाधान उपागम। जी हाँ, के एन झा जी हेलो आपको। आगे हम बात करेंगे इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच की, ठीक है, जांच आधारित उपागम, ठीक है, इसकी बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच की या एकीकृत उपागम की हम बात करेंगे, ठीक है। जी हाँ, अंजू नायक जी बता रहे हैं एक्सप्लोर है, इवेल्युएट है, वेरी गुड। और तीन कौन से बचे हैं भाई, शाबाश। एक्सप्लेन है, पूजा आर्या ने बताया, वेरी गुड। एक्सपीरियंस, रेणुका कश्यप जी बोल रहे हैं, शाबाश शाबाश शाबाश। देखते हैं आप बताते रहिए जब तक सही आता है, ठीक है। एक्सप्लेन आप दोबारा बता रहे हैं के एन झा जी, वेरी गुड, एक्सप्लेन होता है। चलिए उससे पहले एक बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की। जी इलेबोरेट भी है एक, वेरी गुड चंचल चौहान, सही कहा। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रचनावादी उपागम, और जहां बात की रचनावादी उपागम की वहां पर फिर से आ गए हमारे ये दो, कौन, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे किसकी बात कर रहे थे, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हम अपने कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, अपने माइंड में बच्चा किस तरीके से सीखता है चीजों को, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे थे भाई, शाबाश, कौन बताएगा कि भाई लेव वाइगोत्स्की किस तरीके की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और जीन पियाजे किस तरीके की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जल्दी से मुझे आंसर बताइए, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं यहां पर, ठीक है। स्टूडेंट्स डू नॉट कम टू क्लासरूम एम्प्टी हैंडेड। देखिए हमारा एक सोच ऐसी होनी चाहिए, आमतौर पर हम ये मानते हैं कि जब बच्चा स्कूल में आता है तो वो ब्लैंक स्लेट होता है, टेबुला रसा होता है, जैसा कि कहा था जॉन लॉक ने, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा स्कूल में खाली हाथ नहीं आता है, उसको काफी सारी चीजों का पता होता है। जी हाँ, सोशल लेव वाइगोत्स्की, सोशल कल्चर और जीन पियाजे का बता देंगे जी कौन है रिस्पॉन्सिबल। एम्प्टी हैंडेड नहीं होता है, बट हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रॉन्गली फॉर्म्ड आइडियाज अबाउट देयर सराउंडिंग। जो उसके आसपास में जो भी चीजें घटित होती हैं उनके बारे में उसके एक आइडिया होता है, बहुत सारे आइडियाज होते हैं कि भाई कैसे कैसे चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था, जो हमारा साइंस होता है, जो विज्ञान होता है, वो कैसा होता है, वो कॉज एंड इफेक्ट पे आधारित होता है, ठीक है जी, कारण तथा प्रभाव। कि कोई भी चीज होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट पे होता है। दूसरा मैंने कहा था कि ये सिस्टेमेटिक होना चाहिए कि भाई एक चीज के पीछे दूसरी चीज होनी चाहिए, ठीक है ना। ये एक चीज हुई, उसके बाद फिर ये चीज होगी, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा कि ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, या ठीक है जी, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है। तो मतलब कहने का कि बच्चा जब स्कूल में आ रहा है तो उससे पहले इनको इन चीजों का, बहुत सारी चीजों का पता होता है। हो सकता है वो मिसकंसेप्शंस हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पता होता है। जी हाँ, कॉग्निटिव की बात, हाँ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इरफाना मुदस्सिर जी ने बिल्कुल सही कहा। जो जीन पियाजे हैं वो बात कर रहे हैं कि दैट द इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और वही जो है हमारे वाइगोत्स्की वो बात करते हैं दैट द सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, ठीक है, वेरी गुड। चलिए जी, बिल्कुल वेरी गुड, चलिए शाबाश, बात करते हैं। आप थोड़ा सा आगे समझते हैं। अरे ये क्या हो गया भाई, ये लड़की के ऊपर ही आ गया सारा, ठीक है, चलो इसको मैं साफ कर देता हूं। तो अब इसको आप साफ साफ देख पाएंगे कि भाई जब बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसके पास बहुत सारे आइडियाज ऑलरेडी होते हैं। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं पहले से ही, वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट नहीं होते हैं। आपको कुछ ऐसा समझ के चलना होगा। चलिए आगे चलते हैं भाई, समझते हैं। और जो हमारा NCF 2005 है, जो हमारा NCF 2005 है वो भी क्या कहता है कि हमें हमारी कक्षा कक्षों में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को लेकर चलना है, हमें निर्माणवादी उपागम को लेकर चलना है, रचनावादी उपागम को लेकर चलना है, ताकि बच्चा स्वयं से चीजों को एक्सपीरियंस करे और फिर उसके साथ में वो क्या करे, अपने जो संज्ञान है उसका निर्माण कर पाए। ठीक है, तो चलिए भाई आगे देखते हैं इस अप्रोच के बारे में थोड़ा सा। और रचनावादी उपागम क्या कहता है, देखिए रचनावादी उपागम क्या कहता है कि जब एक अध्यापक, जब एक टीचर क्लास में एंटर करता है, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने स्टूडियो में एंटर किया तो मेरे माइंड में दो चीजें थी। पहली चीज ये कि मुझे क्या कराना है, जैसा कि मुझे पता था कि आज मुझे अप्रोचेस ऑफ टीचिंग साइंस करवाना है ना। पहली बात तो ये मेरे माइंड में क्या होना चाहिए कि मुझे क्या करवाना है, आज मुझे बच्चों को क्या सिखाना है। एंड द सेकंड थिंग इज अब मुझे वो कैसे सिखाना है। ठीक है, तो ये जो दो फैक्टर होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हम किस तरीके से उस चीज को सिखाएंगे। पहली बात, हमारा जो कंटेंट है वो हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मतलब क्या पढ़ाना है मुझे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या होना चाहिए, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से। जैसे कि मैंने सोचा भाई पिक्चर्स लगानी चाहिए, मुझे जो की वर्ड्स हैं वो लेने चाहिए, मुझे क्वेश्चंस को लेना चाहिए, है ना। तो मतलब जो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं उनको लेना चाहिए। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बना सकते हैं। ये एक हमारा बिल्कुल एक मतलब प्रीरिक्विजिट चीज है, मतलब ये पहले ही रिक्वायरमेंट होती है। आप क्लास में जाने के बाद ये चीजें डिसाइड नहीं करते हैं, ये पहले से ही डिसाइडेड हो जाती है। और जब ये डिसाइडेड होती है देन एंड ओनली देन यू कैन कंस्ट्रक्ट देयर कॉग्निशन। ठीक है, चलिए भाई अब जो इसके लिए एसेंशियल फैक्टर्स हैं, भाई कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एसेंशियल है, आवश्यक कारक हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहला क्या है भाई, लर्निंग शुड बी डन इन ऑथेंटिक एंड रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। जो लर्निंग होना, जो अधिगम हो, वो सबसे पहली बात एक ऑथेंटिक में हो। ठीक है जी, वास्तविक माहौल में हो, मतलब प्रमाणिक हो, जिसका प्रमाण दिया जा सकता है, जो कि करके दिखाया जा सकता है कि भाई ये चीज है। ठीक है, पहली बात वो होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होना चाहिए, रियल वर्ल्ड में होना चाहिए, वास्तविक दुनिया में होना चाहिए, बच्चों से वो रिलेटेड चीज होनी चाहिए, बच्चों का जो आसपास का वातावरण है उससे वो चीजें संबंधित होनी चाहिए। देन एंड ओनली देन आप उनका जो कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे क्या, कॉग्निशन को, उसकी हेल्प कर पाएंगे, उसको फैसिलिटेट कर पाएंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे। फिर आगे चलते हैं भाई, और कौन से पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लर्निंग शुड इंक्लूड सोशल इंटरेक्शन। जी हां, यहां पर बात चल रही है किसकी, लेव वाइगोस की, कि हम सोशल इंटरेक्शन के द्वारा चलिए जी, थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएट किया, थैंक यू इरफाना मुदस्सर जी, और आपने कंफर्म किया पूजा आर्या जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, तो लर्निंग शुड इंक्लूड सोशल इंटरेक्शन, मतलब हमें क्या करना है, कोलैबोरेटिव लर्निंग करवानी है, इंटरेक्शन करवानी है, इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट्स और इंटरेक्शन बिटवीन हम कहेंगे टीचर एंड स्टूडेंट, है ना। टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी इंटरेक्शन होनी चाहिए और बच्चों की भी आपस में इंटरेक्शन होनी चाहिए, तभी हम एक बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट बना पाएंगे। आफ्टर दैट, कंटेंट एंड स्किल शुड बी रेलिवेंट। जो हम कंटेंट दे रहे हैं, जैसे कि मैं यहां पर जो कंटेंट ला रहा हूं वो रेलिवेंट है, जैसे जो कि आप देख पाते हैं कि भाई इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। और जो हमारी जो स्किल, जो हम बच्चे के अंदर स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मेरा एक जो ध्येय रहता है वो ये रहता है कि मैं आपके अंदर एक वो स्किल डेवलप करूं कि आप तुरंत देखते ही उस आंसर पर पहुंच पाए। आपकी एक इतनी मतलब एक तीक्ष्ण एक नजर हो जानी चाहिए कि आपको तुरंत एक नजर जाए वहां पर कि हाँ जी इसका आंसर ये है। ठीक है, आप कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए। तो ये भी एक अपने आप में एक स्किल है जो कि डेवलप करी जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें क्या होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, इररेलिवेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट असेसमेंट शुड बी फॉर्मेटिव। जो असेसमेंट है वो फॉर्मेटिव होना चाहिए, सम्मेटिव नहीं होना चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो कि ड्यूरिंग द सेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैं आपसे बातें करता हूं तो आप क्या करते हैं, मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, उससे मुझे क्या पता चलता है भाई, फीडबैक पता चलता है, आपके जो डाउट्स होते हैं मैं उनको भी देख पाता हूं, उनको मैं क्लियर कर पाता हूं। तो ये जो एक तरीके का असेसमेंट है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये भी तो असेसमेंट करना पड़ेगा ना। तो ये क्या है भाई, फॉर्मेटिव होगा, फॉर्मेटिव होना चाहिए, निर्माणात्मक होना चाहिए, मतलब जिसके द्वारा हम फिर अगर कोई कमी रह जाती है, यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो हम उसको साथ के साथ में दूर कर पाए। ठीक है, और इसी को दूर करने के लिए मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक पर तो प्लीज आप यूट्यूब पर आइए, ताकि हम एक फॉर्मेटिव असेसमेंट कर पाए, ताकि हम समझ पाए कि भाई आपके क्या डाउट्स हैं और अकॉर्डिंगली हम उनको डील कर पाए, उनकी एक रेमेडियल टीचिंग कर पाए। ठीक है, तो अगर आप फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं तो वहीं पर लिंक दिया गया है यूट्यूब का, आप यहाँ पर आइए और जो भी आपके डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं साथ के साथ। ठीक है, तो भाई जो हमारा जो असेसमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फॉर्मेटिव होना चाहिए। चलिए आप में से देखते हैं कौन बताता है कि जो दूसरे टाइप का जो असेसमेंट है फॉर्मेटिव से अलग वो कौन सा होता है। ये दोनों ही आते हैं किसमें, सीसीई में आते हैं। ठीक है जी, सीसीई, पहली बात आपको सीसीई की फुल फॉर्म बतानी है एंड द सेकंड थिंग आपको बताना है क्या कि भाई सीसीई में एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और तो दूसरा क्या होता है। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। यस, वेरी गुड, परमवीर सिंह ने सबसे पहले आंसर दिया। क्या, सबमेटिव। जी हाँ, एक फॉर्मेटिव होता है, एक सबमेटिव होता है। परमवीर सिंह जी ने सबसे पहले कहा, पूजा कौशिक जी ने भी कहा SA, कुछ ज्यादा ही आपने एब्रिविएशन कर दिया। ठीक है, आई नो आपको पता है। पूजा आर्या ने बताया भाई सीसी की फुल फॉर्म कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इरफाना मुदस्सर ने कहा सबमेटिव। चंचल चौहान कह रहे हैं भाई सीसीई की फुल फॉर्म बता रहे, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है जी, वेरी गुड जी। परमवीर सिंह जी ने भी बताया कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सीसीई की फुल फॉर्म होती है और इसके अंदर दो वे होते हैं, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, मतलब कक्षा में ड्यूरिंग द रनिंग सेशन ही हमें बच्चों से चीजें समझनी है, पूछने हैं, उनके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने हैं। आफ्टर दैट क्या होगा, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस शुड बी प्रमोटेड। ठीक है जी, बच्चे अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर पाए। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, लर्निंग का मतलब क्या होता है, लर्निंग स्टैंड्स फॉर चेंज इन बिहेवियर, है ना। मतलब अगर बच्चे ने कुछ सीखा है, वो केवल रट लिया है लेकिन उससे उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है तो हम उसको लर्निंग नहीं कहेंगे। रटना होता है कुछ समय के लिए, उसके बाद में आप उसको भूल जाते हैं। ठीक है, लर्निंग क्या होती है, जो मतलब रिलेटिवली परमानेंट होती है, कुछ समय तक जो है हमारे साथ बनी रहती है और उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में पता होना चाहिए। देखिए, क्योंकि बच्चा क्या है, अपने आसपास के वातावरण से डील करता है, दैट्स वाई वो अपने आसपास के वातावरण से अवेयर हो जाता है। ठीक है, वो होना चाहिए। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट या रचनात्मक शिक्षा शास्त्र में ये चीजें अनिवार्य है। आफ्टर दैट टीचर्स रोल इज टू बी ए फैसिलिटेटर। जी हाँ, आपको पता है हमारा NCERT भी यही कहता है कि जो टीचर का रोल होना चाहिए, जो अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एज ए फैसिलिटेटर होना चाहिए, ना कि एज एन इंस्ट्रक्टर। एक इंस्ट्रक्टर के जैसी नहीं होनी चाहिए, एक प्रशिक्षक की नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए, एक सुविधा प्रदाता की होनी चाहिए। भाई बच्चों को जिस भी प्रकार की सुविधा चाहिए, उनकी लर्निंग में जो भी चीजें हेल्प कर सकती हैं, अलग अलग, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के कारण हम अलग अलग, व्यक्ति अलग अलग तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे ही सुविधा टीचर प्रोवाइड कर पाए, ऐसा हमारा होना चाहिए, वैसे ही हम फैसिलिटीज दे पाए। दैट्स व्हाई टीचर बिकम्स फैसिलिटेटर इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। ओके, चलिए जी, वेरी गुड। आफ्टर दैट टीचर शुड प्रोवाइड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि भाई अलग अलग बच्चों की सोच अलग अलग होती है, वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो अकॉर्डिंगली टीचर को भी क्या होना चाहिए, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देने चाहिए, अलग अलग दृष्टिकोण देने चाहिए, ताकि हर बच्चा जिस मर्जी दृष्टिकोण से वो सीख पाए उस तरीके से वो सीख जाए। हमें बच्चे के लेवल पर जाकर सिखाना होता है, हमें ये नहीं करना होता कि भाई हम एक नॉर्मल लेवल से लेकर चलेंगे, जिसको जो समझना है समझ लो, नहीं तो मत समझो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना होता है, हमें बच्चे के लेवल पर जाके समझना होता है कि भाई ये पर्टिकुलर दिस जो ये बच्चा है ये इस तरीके सीखता है, ये बच्चा इस तरीके सीखता है, ये बच्चा इस तरीके सीखता है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें क्या है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव या कई दृष्टिकोण प्रदान करने चाहिए। ठीक है जी, अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो प्लीज आप मुझे बताएंगे, कंफर्म करेंगे, फिर चलते हैं हम आगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए शाबाश, एक बार बताएंगे अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो। चलिए, वेरी गुड जी हाँ, आपके सामने प्रश्न आया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताने से ज्यादा आप प्रश्न पे ध्यान देंगे, तुरंत आएंगे, इसका आंसर देंगे। क्या है भाई, व्हाट अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज द मोस्ट क्रूशियल टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट ए मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। सामाजिक संरचना के अनुसार विद्यार्थियों में विज्ञान की एक अर्थपूर्ण समझ बनाने के लिए कौन सी योजना सबसे निर्णायक शिक्षण योजना है। जी, सबसे निर्णायक शिक्षण योजना कौन सी होगी निम्न में से। शाबाश, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले आंसर। इरफाना मुदस्सर जी कह रहे हैं ए, पूजा आर्या कह रहे हैं ए, संचल चौहान भी कह रहे हैं ए। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। और देंगे भाई आंसर फटाफट से, सभी के आंसर आने चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अंजू नायक जी ने भी कहा ए, परमवीर सिंह कह रहे हैं ए, इरफाना मुदस्सर एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है जी हाँ, सभी का आंसर आ रहा है ए, जबकि हमारा आंसर है डी। अब देख लेते हैं क्यों है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आंसर डी क्यों है। ये क्या कह रहा है भाई, एक कंस्ट्रक्टिव इसमें हमें क्या कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। फ्रीक्वेंटली कंडक्टिंग एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स यूजिंग एक्टिविटी गाइड्स। यहां पर नेगेटिव क्यों हो रहा है? यूजिंग एक्टिविटी गाइड्स, यूजिंग एक्टिविटी गाइड्स का मतलब क्या है? आपने एक ऑलरेडी बना बनाया रास्ता दे दिया है बच्चों को और उसी पर चलना है। बच्चे अपने हिसाब से नहीं चलेंगे या अध्यापक अपने हिसाब से चीजों को चेंज नहीं कर सकता है। क्या आप नहीं समझ रहे कि यहाँ पे क्या मतलब है? यूजिंग एक्टिविटी गाइड्स, जो पहले से एक्टिविटी की गाइड्स दी गई है कि भाई 7th क्लास में आपको यही एक्टिविटीज करवानी है, 8th क्लास में आपको यही एक्टिविटीज करवानी है, 9th क्लास में आपको यही एक्टिविटीज करवानी है। क्या केवल उसी पर चलेंगे आप? नहीं, आप उससे अलग भी चल सकते हैं। यहां पर आपका जो आंसर था यहां तक बिल्कुल सही था, फ्रीक्वेंटली कंडक्टिंग एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है। यूजिंग एक्टिविटी गाइड्स आते ही वो चीज क्या हो जाती है, एकदम से गड़बड़ में हो जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं जिसको डी में कंफ्यूजन आ रहा है, एक बार हिंदी पढ़ लेंगे, ठीक है, तो फिर आप उसको समझ पाएंगे आसानी से। सेकंड देख लेते हैं, आस्किंग स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर मॉडल्स टू डेमोन्स्ट्रेट साइंटिफिक आइडियाज। आस्किंग आप उनको कहेंगे भाई मॉडल्स बनाओ, ठीक है, तो सही जा रहा है लेकिन और इससे ज्यादा सही भी हो सकता है क्या? एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू सोल्व गुड नंबर्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जी नहीं, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर इतना ज्यादा जोर नहीं देंगे, हमें ध्यान किस पे देना है? कंस्ट्रक्टिविज्म पर ध्यान देना है, बच्चे ज्ञान का निर्माण करें। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आ गया तो ये नेगेटिव जा रहा है। आफ्टर दैट अब देख लेते हैं फोर्थ को, हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन टॉकिंग, थिंकिंग, आर्ग्यूइंग एंड राइटिंग अबाउट साइंस। आर्ग्यूइंग करवाना है बच्चे को। आर्ग्यूइंग क्यों करवाना है? मैंने कल की क्लास में भी बताया, क्या बताया कि हमारे कई बार मिसकंसेप्शंस होते हैं, कई बार हमारी गलत धारणाएं होती हैं, हम चीजों को कई अलग एंगल से समझ जाते हैं, तो उस समय पर हमें क्या करना है? यदि बच्चा कहे कि नहीं जी ये तो ऐसा होता है, मैंने तो हमेशा ही ऐसे होते देखा है, तो वो आर्ग्यू कर रहा है और वो आर्ग्यू करना पॉजिटिव है, आपको उसके क्या करना था फिर? यस, कौन बताएगा? अगर कुछ ऐसा मिसकंसेप्शन होता है तो मैंने दो चीजें बताई थी कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें बच्चे को क्या क्या करना चाहिए। चले शाबाश, बताते हैं क्या होगा। वेरी गुड, वेरी। आर्ग्यू करना कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। आप ये पति पत्नी वाला आर्ग्यू मत समझ के चलिए, ये आर्ग्यू एक टीचर और स्टूडेंट का है। किसको लेके? साइंस को लेके है, इसके बारे में कि भाई हमारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, आप इस चीज को करेंगे क्या, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है जी, ऐसा ही होता है। ठीक है, मोटिवेट रहिए जी। मैंने कहा था कि जब भी कुछ ऐसा हो तो हमें क्या देने हैं बच्चे को? एग्जाम्पल्स देने हैं और नॉन एग्जाम्पल्स देने हैं। याद है आपको? हम बच्चों से पूछेंगे कि चलो बताओ भाई ये क्या होता है ना, फिर पूछेंगे अच्छा चलो फिर इसके और एग्जाम्पल्स देके बताओ, है ना। तो कल ही हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था कि भाई यदि कुछ ऐसा होता है जब बच्चा आर्ग्यू कर रहा है, विज्ञान के विषय में बोलने, सोचने, बहस करने और लिखने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। जी हाँ, आपको सहायता करनी है, आपको उन्हें बचाना नहीं है, आपको उनसे बचना नहीं है। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि यहाँ पर बहस करना नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर बहस करना पॉजिटिव सेंस में लिया जा रहा है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल कल बताया था, वही मैं कह रहा हूँ कि आपको चीजों को थोड़ा सा अगर आप समझ के चलेंगे तो बिल्कुल आपके क्वेश्चंस गलत नहीं हो पाएंगे। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कीली पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है और उसके बाद तुरंत आंसर देना है समझकर। ठीक है जी, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज बताएंगे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, और जल्दबाजी में आंसर ना दें, बिल्कुल सोच समझ के आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद ही आप पाएंगे कि भाई आप सच में ही सही बता पा रहे हैं या नहीं। चलिए आगे देखते हैं भाई, यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने दो स्लाइड्स में लिया है। सबसे पहले आपके सामने टीचर पुट्स ए लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब एंड पुट्स स्पिरिट, है ना, हाँ स्प्रिट एल्कोहल इन इट, है ना, मतलब उसके ऊपर एल्कोहल डाल देता है, स्प्रिट डाल देता है। नाउ ही हीट्स द टेस्ट ट्यूब, अब वो उसको गर्म करता है टिल ऑल द ग्रीन कलर कम्स आउट। और जब गर्म करता है तो क्या होगा, जो उसका जो ग्रीन कलर है वो बाहर आ जाएगा, है ना, उड़ जाएगा उसका रंग जो है, मतलब पानी में घुल जाएगा, उसमें स्प्रिट में घुल जाएगा। देन ही टेक्स आउट द लीफ एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। अब वो लीफ को जो वो एक रंगहीन हो चुका है उसको बाहर निकालेगा और उसके ऊपर क्या डाल देगा, आयोडीन सॉल्यूशन डालेगा। ठीक है, द स्टूडेंट्स राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन देयर नोटबुक। अब स्टूडेंट्स कुछ नोटबुक में अपने लिख रहे हैं, अगेन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कुछ वो अपने ज्ञान को। तो यहां पर आप समझेंगे, द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, द लीफ कंटेन्स स्टार्च, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? क्या A इज ऑब्जर्वेशन, बी इज इन्फ्रेंस। A is inference, B is observation, both A and B are observation, both A and B are inference। जी हाँ, inference क्या होता है? निष्कर्ष होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई पत्ती का रंग नीला काला हो गया है, ठीक है, एक तो ये चीज देख रहे हैं बच्चे, और दूसरा क्या है, पत्ती में स्टार्च है। तो आपको मुझे ये बताना है कि भाई ए प्रेक्षण है बी निष्कर्ष है, या ए निष्कर्ष है बी प्रेक्षण है, ए और बी दोनों प्रेक्षण है, ए और बी दोनों निष्कर्ष है। जी हाँ, किसका आंसर आता है सबसे पहले सही? परमवीर सिंह कह रहे हैं ए, इरफाना मुदस्सर कह रहे हैं बी, चंचल चौहान कह रहे हैं बी। शाबाश, डरना नहीं है भाई, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, है ना, बड़ा पैड डायलॉग है किसी का, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जस्ट जितनी गलतियां करनी है यहीं पर कर लेना, ताकि आप एग्जाम में गलतियां ना कर पाए, ठीक है, हमें उस लेवल की तैयारी करनी है। शाबाश शाबाश, क्या होगा भाई, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, ए या बी, ए या बी, ए या बी, देखते हैं किसका आंसर सही है। जी हाँ, सुशील कुमार और पूजा कौशिक का आंसर बिल्कुल सही है, और सबसे पहले सही आंसर दिया सुशील कुमार ने, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हिज नेम। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं, प्रेक्षण का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। अभी आपने पीछे देखा, प्रेक्षण स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन। भाई पत्ती का रंग नीला काला हो गया, अभी उसने देखा, ये तो उसकी ऑब्जर्वेशन है ना, ये निर्णय थोड़ी निकाला है उसने, निष्कर्ष थोड़ी निकाला है। निष्कर्ष कैसे निकाला, क्यों हुआ वो नीला या काला, क्योंकि पत्ती में स्टार्च है। हमें पता है कि जिसमें स्टार्च होता है, जिस पर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, जैसे कि आलू होता है, आलू को काटकर यदि आप आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो वो भी मतलब गहरा नीला, मतलब एक काले के समान हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इससे बच्चे को पता चलता है कि पत्ती के अंदर भी स्टार्च है। और पहले वाला क्या है, प्रेक्षण है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन है जो कि उसने देखा, और जो दूसरा है वो क्या है, निष्कर्ष है, एक इन्फर है ना, कि उसने क्या पाया कि भाई क्योंकि इसके अंदर स्टार्च था, दैट्स व्हाई ये जो है ब्लैक हुआ। ठीक है, तो आपको समझ रहा है, हमारा आंसर जो ए है वो बिल्कुल सही है। चीजों को समझकर चले, देखकर चले, ये क्वेश्चन देखें कितने ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, आपको कहां कहां उलझा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको चीज को पॉजिटिव वे में लेकर चलना है कि गलतियां करनी है तो सिर्फ यहीं पर हो जाए, बाहर ना हो। ठीक है जी, जी नहीं, ये IAS का पेपर नहीं है, लेकिन हाँ इस बात को मैं कहना चाह रहा हूं कि अब जो लेवल बन गया है टीचिंग के लिए भी, वो बहुत ही अच्छा लेवल बन गया, और ये देख के मुझे सच में आंतरिक खुशी होती है कि केवल वही बच्चा वहां पर जाएगा जो बहुत इंटेलिजेंट होगा, जो एक लेवल की तैयारी करेगा। ठीक है, ताकि हमारा जो देश का भविष्य है वो सुधर सके, है ना, बिकॉज वी आर द नेशन बिल्डर्स, है ना, हमें ही तो देश को बनाना है ना। अगर हम ही पढ़े लिखे नहीं होंगे, हमें ही अगर इन चीजों का नहीं पता होगा, तो हम कैसे बच्चों को सिखा पाएंगे। तो ये चीज जो है ये बिल्कुल आपको समझ लेना है कि यदि आपको टीचर बनना है तो जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने आप को किसी IAS से कम ना समझे, क्यों? क्योंकि IAS को भी किसी ना किसी, कभी ना कभी, किसी ना किसी टीचर ने ही सिखाया है। ठीक है, तो चलिए भाई आगे चलते हैं। शाबाश, एक और अप्रोच को देख लेते हैं, और ये अप्रोच है हमारी 5E लर्निंग मॉडल अप्रोच। जी हाँ, 5E लर्निंग मॉडल अप्रोच। और ये जो 5E है, मैं फटाफट से बता रहा हूँ, आपने भी इनके बारे में बताया था। ठीक है, द वेरी फर्स्ट वन विल बी एंगेज, मतलब शामिल करना। सेकेंड इज एक्सप्लोर, खोजबीन करना। आफ्टर दैट एक्सप्लेन, ठीक है, व्याख्या करना। उसके बाद इलेबोरेट, विस्तृत करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट विल बी दिस वन इज इवेल्युएशन या इवेल्युएट, मूल्यांकन करना। ठीक है जी, तो आपको पहली बात तो ये जो 5 हैं इनकी सीरीज को याद रखना है। सीरीज को याद रखना बहुत आसान है, जब हम इनको रिलेट, मतलब अभी पढ़ेंगे तो आप इनको रिलेट कर पाएंगे बिल्कुल रियल जो हमारी टीचिंग होती है उसके साथ। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इनको याद रखना सीरीज में। ठीक है, सबसे पहले इंगेज करेंगे, फिर एक्सप्लोर करेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर इलेबोरेट करेंगे, उसके बाद में इवेल्युएट करते हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक कोर्स, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंगेज से। ठीक है जी, इंगेज या शामिल करना। शामिल करने का मतलब क्या होता है? शामिल करने का मतलब यहां पर क्या है कि हमें बच्चों को शामिल करना है, हमें बच्चों को कक्षा कक्ष में शामिल करना है। जैसे कि मैं आपको शामिल कर रहा हूं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिखा के, जो आपको एक चैलेंज दे रहे हैं, जो आपका जो आज तक की जो सोच है उसको वो कहीं ना कहीं झकझोर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं, अगर हमें टीचर बनना है तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं शुरुआत में ही बोलता हूं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आप केवल CTET तक सीमित नहीं रहेंगे, आप उसके पार जाकर भी चीजों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। दैट्स व्हाई मैं रात को देखे, मतलब डेली रात को आपके लिए क्लासेस लेके आ रहा हूं। ठीक है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसके पीछे, इसीलिए लगी हुई है। और सबसे पहला काम क्या होगा आपका, कि बच्चों को आपको इंगेज करना है। जो भी आप कर रहे हैं काम, उसके अंदर आप उनको एक्टिविटीज दे सकते हैं, आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, आप उनसे कुछ भी बातें कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उनको इंगेज करना है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज इंगेज। ठीक है जी, ठीक है, और अगर आप बच्चों को इंगेज करेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा, बच्चे को अभी प्रेरणा मिलती है ना। फॉर एग्जाम्पल जब आप क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है, अरे यार ये तो पढ़ना पड़ेगा, हम तो इसको बिल्कुल हलवा समझ के बैठे थे, बड़ा ही ईजी समझ के बैठे थे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भाई ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है, अभी प्रेरणा मिलती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझना द वेरी फर्स्ट थिंग विल बी इंगेज। जब तक आप बच्चे को इंगेज नहीं करेंगे तब तक आप बच्चे को सिखा ही नहीं सकते, ये बात आप गांठ बांध लो, ठीक है जी। आगे चलते हैं भाई। सेकंड वन वाज इंगेज के बाद दूसरा कौन सा था? शाबाश, जल्दी से बताएंगे क्या था इंगेज के बाद। इंगेज के बाद आता है अपना एक्सप्लोर। किस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी यहाँ पे? हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जो बच्चा होता है, अब हमें पहले हमने इंगेज किया, इंगेज करने के बाद में जो बच्चे हैं वो आपस में मतलब कैसे वो मतलब चीज़ों को देखते हैं वो हमें एक्सप्लोर करना है। बच्चों की सोच क्या है उस चीज़ को समझना है। मतलब जब तक हम बच्चे को नहीं जानेंगे तब तक हम उसको कैसे सिखा पाएंगे। हमें बच्चों के लेवल का पता होना चाहिए कि भाई बच्चा कैसे सोच रहा है ना, क्या उसका जो एक थिंकिंग पैटर्न है वो क्या है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो क्या है ना। और एक बच्चे का नहीं, हर बच्चे का समझना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, खोजबीन करनी पड़ेगी। कहाँ खोजबीन करनी पड़ेगी? बच्चों के मस्तिष्क में खोजबीन करनी पड़ेगी। आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये क्या है, ठीक है ना, इनके सोच में क्या बैठा है, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ा पाएंगे। तो द सेकंड थिंग इज एक्सप्लोर। बात समझ में आ रही है? पहली बात आपको बच्चों को इंगेज करना है जिससे वो मोटिवेट होंगे, एंड आफ्टर दैट आपको एक्सप्लोर करना है कि उनकी सोच क्या है, उनका थिंकिंग पैटर्न क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद एक्सप्लोर के बाद क्या आएगा जी? शाबाश शाबाश, जल्दी से बताएंगे। उसके बाद आएगा एक्सप्लेन। अब जब आपने देख लिया है कि बच्चे कैसे सोच रखते हैं, उनका क्या मेंटल लेवल है, वो किस तरीके से चीजों को सीख सकते हैं, उसी के बाद तो आप सिखाना शुरू करेंगे। नाउ इट्स योर टर्न। अब आप बच्चों को क्या करेंगे, चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, बच्चों को चीजों को समझाएंगे कि भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ठीक है जी। तो ये क्या है, 5E लर्निंग मॉडल है भाई, है ना, 5E से बना है। फर्स्ट वन वाज इंगेज, सेकेंड वन वाज एक्सप्लोर, एंड द थर्ड वन इज एक्सप्लेन। अब आप चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, अब आप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे, उससे पहले नहीं। चलिए जी, शाबाश। पूजा आर्या और प्रीति सिंह सैगल दोनों ने बताया एक्सप्लेन, वेरी गुड। चलिए, अब एक्सप्लेन के बाद क्या था भाई? एक्सप्लेन के बाद क्या था? शाबाश शाबाश, कौन बताएगा एक्सप्लेन के बाद कौन सा था? ये सर चाइना से है क्या? जी हाँ, चाइना में भी सर होते हैं भाई, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आप इलेबोरेट करेंगे क्या? स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस को। अब आप क्या करेंगे, जब आपने एक्सप्लोर कर दिया, जब आपने चीजों को एक्सप्लोर कर दिया, अब आप किसको स्थान देंगे? अब आप स्थान देंगे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस को। अब आप स्टूडेंट से बात करेंगे, अब आप स्टूडेंट से पूछेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाया और स्टूडेंट्स के समझ में आ गया, कतई ऐसा नहीं है भाई। आपको क्या करना पड़ेगा, आपने पढ़ाया, उसके बाद में आप स्टूडेंट से ये भी तो पूछेंगे ना कि भाई आपको क्या समझ में आया, उसका रिकैपिचुलेशन करेंगे, उनसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इलेबोरेट करना है, उस चीज को विस्तृत करना है। जो भी बच्चों के विचार हैं उन सभी को सुनना है कि सर हम तो ये सोच रहे थे, मैंने तो ऐसा होता कभी नहीं देखा। वो चीजें आपको क्या करना है, इलेबोरेशन में बतानी है, वो चीजें आपको समझनी है, ठीक है। जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको डील करना है। तो फोर्थ हमारा पॉइंट क्या हो गया, इलेबोरेट, एंड द फिफ्थ वन इज, जो कि लास्ट रहेगा, जी हाँ, वो आप सभी मुझे बताएंगे। शाबाश, जल्दी से क्या होगा लास्ट में, क्या हम करेंगे लास्ट में होगा इवेल्युएशन, मतलब मूल्यांकन। और जैसा कि यहां पर आया है क्या, सीसीई, और सीसीई के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था क्या, उसके अंदर क्या था, हमें फॉर्मेटिव इवेल्युएशन पर ज्यादा जोर देके चलना है, ठीक है। हम साथ के साथ बच्चों को इवेल्युएट करते चलेंगे, जो उनका मूल्यांकन है वो करेंगे कि भाई आज जो मैंने सिखाया, आज जो मैंने कंस्ट्रक्टिव इस क्लासरूम में सिखाया, तो मैं किस तरीके से बच्चों को समझा पाया हूँ, कितना समझा पाया हूँ, बच्चों ने कितना सीखा है, नहीं सीखा है। एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल इवेल्युएट, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे पहला क्या होगा भाई, इंगेज होगा, ठीक है जी। उसके बाद में हम क्या करेंगे भाई, शाबाश शाबाश, बताते चलेंगे, वेरी गुड, आप मेरी हेल्प करेंगे थोड़ी सी। सबसे पहले इंगेज, उसके बाद दूसरा, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मुझे आंसर चाहिए भाई, देखते हैं कौन बता पाता है। एक्सप्लोर, शाबाश, एक्सप्लोर आ रहा है भाई, मधु, जल शक्ति, जी हाँ, और भाई चंचल चौहान का भी आया है, अंजू नायक जी का भी आया है एक्सप्लोर। थर्ड वन क्या होगा, वेरी गुड, याद रखना है हमें इन चीजों को, एक्सप्लोर करने के बाद में हम क्या करेंगे? वेरी गुड, इरफाना मुदस्सर जी ने भी कहा एक्सप्लोर, पूजा आर्या ने कहा एक्सप्लोर, चंचल चौहान जी का अब की बार सबसे पहले आया है क्या? एक्सप्लेन। अब हम उसके बाद क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। अब हम पढ़ाना शुरू करेंगे। चौथा क्या होगा भाई? सेकंड लास्ट क्या होगा? एक्सप्लेन के बाद क्या होगा? वेरी गुड शाबाश, इलेबोरेट, वेरी गुड। उसके बाद हम इलेबोरेट करेंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा अपना? इवेल्युएट, वेरी गुड। इलेबोरेट के बाद क्या आ जाएगा? इवेल्युएट, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये हमारे 5 स्टेप्स रहेंगे। आपको इनको पांचों स्टेप्स को याद रखना है। सबसे पहले हम बच्चे को एंगेज करना है, फिर जो उनके माइंड में है उसको एक्सप्लोर करना है, उसके बाद में क्या है? एक्सप्लेन करना है, फिर जो उनके एक्सपीरियंसेस है उसके हिसाब से हमें इलेबोरेट करना है चीज़ों को, और लास्ट में इवेल्युएट करना है कि बच्चों ने कितना सीखा। ठीक है, तो चलिए भाई इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। शाबाश, फटाफट से बड़े बड़े प्रश्न लिखे हुए हैं, देखते हैं सबसे पहले सही आंसर कौन देता है, समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, नोट पर ध्यान देंगे भाई। एंड एक्सपोजिटरी एक्टिविटी ऑफ टीचिंग साइंस, विज्ञान के शिक्षण में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया नहीं है? व्याख्यात्मक, जिसमें हम व्याख्या करते हैं किसी चीज की। शाबाश। ए टीचर शोज वीडियोज ऑन हैबिटेट ऑफ वेरियस एनिमल्स, क्या ये है? ए टीचर डिमोन्स्ट्रेट्स एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट ए करंट कैरिंग कोयल हैज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। A teacher provides a concept map to show the relationship between higher and lower order concepts. A teacher asks open-ended questions and seeks explanation. जी हाँ शाबाश, क्या होगा? आंसर आ रहा है जी डी। इरफाना मुदस्सर जी कह रहे हैं डी, पूजा आर्या कह रहे हैं डी, चंचल चौहान कह रहे हैं बी, वेरी गुड शाबाश शाबाश, पूजा कौशिक कह रहे हैं डी, वेरी गुड वेरी गुड। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले सही आता है। जल शक्ति, सॉरी मैं आपका मधु नाम ले लेता हूँ जी, कुमारी मधु, ठीक है, आपका आंसर आ रहा है डी। और जी हाँ, हमारा सही आंसर भी है डी। ठीक है, डी क्यों है भाई? प्रश्न को समझ लेते हैं। नोट एंड एक्सपोजिटरी एक्टिविटी व्याख्यात्मक नहीं है, जिसमें बच्चों को व्याख्या करनी पड़े। डी को समझ लेते हैं, टीचर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड सीक्स एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, मतलब यहां पर एक्सपोजिटरी एक्टिविटी मतलब व्याख्या टीचर नहीं कर रहा है। चीज को समझो, यहां पर व्याख्या टीचर नहीं कर रहा है, यहां पर वो बच्चों से एक्सप्लेनेशन करने के लिए कह रहा है ओपन एंडेड क्वेश्चन करके। तो वो क्या होगा? हमारा आंसर ये नोट में आएगा। एक्सपोजिटरी एक्टिविटी नहीं है ये साइंस की। बाकी अगर आप देखें कि व्याख्यात्मक प्रक्रिया क्या है, एक शिक्षिका विभिन्न पशुओं के प्राकृतिक वास के वीडियो दिखाती है। हाँ, वो एक्सप्लेन कर रही है, वो व्याख्या कर रही है कि कैसे कैसे पशु कैसी कैसी जगहों पर रहते हैं। एक शिक्षिका प्रयोग द्वारा दर्शाती है कि धारा प्रवाह कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। कौन दिखा रही है? शिक्षिका दिखा रही है, अगेन व्याख्या कर रही है। उसके बाद उच्च तथा निम्न श्रेणी के संकल्पनाओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए शिक्षिका संकल्पनात्मक चित्रण प्रस्तुत करती है। जी हाँ, शिक्षिका कर रही है। अगेन देखेंगे, यहां पर भी शिक्षिका कर रही है, यहां पर भी शिक्षिका कर रही है, यहां पर भी शिक्षिका कर रही है, लेकिन डी में कौन कर रहा है? यहां पर बच्चा कर रहा है। तो व्याख्या कहां हुई? वो तो सिर्फ पूछना हुआ ना। ठीक है, तो आप इस चीज को समझे, ओपन एंडेड नहीं होगा। नहीं, ये आंसर नहीं है, मतलब इसके कारण से ये नहीं है आंसर। किस लिए? क्योंकि यहां पर जो एक्टिविटी कर रहा है वो बच्चा कर रहा है, बाकी में क्या है? टीचर किसी ना किसी चीज की व्याख्या कर रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कितने ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, धड़ाधड़ धड़ाधड़ से, आप इसको हल्के में ना लें। ठीक है, जल्दी से आंसर दें। मिस प्रिया वांट्स टू शो स्टूडेंट्स दैट रिलेशनशिप बिटवीन वाइब्रेशंस एंड साउंड्स। ठीक है जी, वाइब्रेशन और साउंड के बीच में कुछ वो बताना चाह रही है रिलेशन जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मोस्ट अलाइंड, कौन सी एक्टिविटी होगी जो सबसे अच्छी होगी विद दिस लेसन ऑब्जेक्टिव? कौन सी एक्टिविटी करके वो इसको बहुत सबसे बेस्ट तरीके से समझा सकती है? इरफाना मुदस्सर जी कह रहे हैं ए। इसका आंसर जिसका सबसे पहले सही आएगा उसका मैं नाम लिखने वाला हूं। शबाश, जल्दी से बताएंगे। टैपिंग ए टेबल एंड हियरिंग द साउंड, प्लकिंग एन इलास्टिक बैंड एंड सीइंग द वाइब्रेशंस, थ्रोइंग ए पेबल इन वाटर एंड ऑब्जर्विंग इट, फीलिंग द वाइब्रेशन इन द थ्रोट वाइल स्पीकिंग। जी हाँ, इरफाना मुदस्सर ए, पूजा आर्य ए, महेंद्र कुमार जी डी, अंजू नायक बी, परमवीर सिंह ए। अरे भाई सभी आ गए, ए बी सी डी सभी ने सुना दी है। ठीक है शाबाश, परमवीर सिंह सी, कुमारी मधु ए, चंचल चौहान डी, पूजा आर्य डी, प्रीति सैगल डी। जी नहीं, इसका हाँ बिल्कुल, जिसका आंसर आया है डी वो बिल्कुल सही कह रहा है। हमारा आंसर डी सही है, क्योंकि यहाँ पर भी बात क्या थी? वाइब्रेशंस की बात थी। ठीक है, और यहाँ पर भी बात क्या आ रही है? वाइब्रेशन की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? साउंड के वाइब्रेशन की बात आ रही है। तो जब हम बोलते हैं, यदि अभी भी मैं बोलते हुए अपने यहाँ पर हाथ लगाता हूँ तो मुझे क्या है? कंपन की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब एक कंपन महसूस होता है कि भाई जो चीज़ें हैं वो कंपन में आ रही है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि बच्चों से खुद से ही कहे कि भाई आप कुछ बोलो और फिर यहाँ पे एक बार टच करके देखो, तो बच्चा क्या है? उसको वाइब्रेशन को फील कर पाएगा। आप समझिए इस चीज को। देखिए आप गलती कहाँ करते हैं, आप अपनी गलती को पकड़ना सीखें। यदि आपने अपनी गलती को पकड़ लिया तो फिर आप दोबारा गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है, फीलिंग द वाइब्रेशंस इन योर थ्रोट व्हाइल स्पीकिंग। आप बोलिए और थोड़ा सा एक बार कंपन को महसूस करिए, बच्चा अपने आप समझ जाएगा कि भाई जब बोलते हैं, जब भी कोई साउंड निकलता है तो उसके लिए वाइब्रेशन होनी जरूरी है। जबकि यहाँ पर क्या है, थ्रोइंग ए पेबल इन वाटर एंड ऑब्जर्विंग इट, उससे क्या साउंड आती है। ठीक है, आफ्टर दैट प्लकिंग एन इलास्टिक बैंड एंड सीइंग द वाइब्रेशन, आवाज आती है। उसके बाद टैपिंग ए टेबल एंड हियरिंग द साउंड, आवाज आती है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये वाला सबसे ज्यादा सही होगा। क्यों सबसे ज्यादा सही होगा? क्योंकि ये जो चीजें हैं ये उसके अपने बॉडी से रिलेटेड है, अपने आप से रिलेटेड है। वो कभी भी इस चीज को चेक कर सकता है। और मुझे क्या, हमें क्या करना होता है, जो उसके बिल्कुल आसपास की चीजें हैं उन्हीं से रिलेट करना होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर डी होगा सबसे सही। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर हम खुद नहीं खुद सुन सकते हैं वो साउंड बट स्टूडेंट को सुनाई नहीं देती ना। कौन सी साउंड भाई? ये वाली नहीं, आप बच्चों को कहेंगे ना। क्या कह रहा है? फीलिंग द वाइब्रेशन इन योर थ्रोट, यहाँ पर टीचर कह रहा है वाइल स्पीकिंग। टीचर बच्चों को कहेगा कि भाई बोलो और अपने यहाँ पर एक बार वाइब्रेशन को फील करो। ठीक है, योर योर यहाँ पर क्या है, माई नहीं कह रहा है, योर कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वो बच्चों को बोल रहा है। तो ये आंसर होगा बिल्कुल सही। इरफाना मुदस्सर जी प्लीज एक बार दोबारा से देखिए। ठीक है जी बिल्कुल। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस। कौन सा नहीं है डिजायरेबल, वो बताना है आपको। विज्ञान के शिक्षण में और अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सी एक वांछनीय प्रक्रिया नहीं है, क्या नहीं होना चाहिए, वो बताना है। शाबाश, वेरी गुड आंसर देंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। देखते हैं सबसे सही आंसर कौन देता है, सबसे पहले आंसर कौन दे पा रहा है। एग्जाम्पल्स आर इनसाइट्स फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स आर लिबरली यूज्ड वेयर एवर रिक्वायर्स। Focus should be on getting the right answers from the students and not on their incorrect responses. Free play and open investigation should be given due importance. Local context should be used for enhancing conceptual clarity. जी हाँ, चंचल चौहान कह रहे हैं बी, पूजा आर्या बी, इरफाना मुदस्सर जी ने भी बी लिखा है, मुझे वी दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद पूजा कौशिक कह रहे हैं सी, इरफाना मुदस्सर ने फिर से ठीक कर दिया है बी, अंजू नायक कह रहे हैं बी और परमवीर सिंह जी भी कह रहे हैं बी, और हमारा आंसर भी सही है बी। बिल्कुल सही बात है। क्या है ये, क्या कह रहे हैं एंड, मतलब आपको क्या करना है, फोकस शुड बी ऑन गेटिंग द राइट आंसर, कि राइट आंसर पर फोकस करना है एंड नॉट ऑन देयर इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज। जी हाँ, इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज पर क्यों नहीं करेंगे, यही तो मैंने कल भी समझाया कि जो उनके इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं वही तो उनके लिए विंडो है जहां से हम देख पाते हैं कि बच्चा कहां पर गलती कर रहा है और उसकी गलतियों को तभी तो ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर बी होगा यहाँ पर बिल्कुल सही, क्योंकि ऑप्शन में क्या था, मतलब क्वेश्चन में क्या था, नोट पूछा गया था, जो नहीं है वो बताना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई, एक और अप्रोच को देख लेते हैं। कौन सी? कोलैबोरेटिव लर्निंग या अप्रोच या सहयोगात्मक सहयोगात्मक अधिगम उपागम। सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव नाम से ही दिख रहा है, जब बच्चे एक साथ मिलकर, है ना, टीचर के साथ मिलकर या बच्चे अपने आप में एक साथ मिलकर जब चीजों को सीखते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच कहेंगे। और साइंस टीचिंग में ये बहुत अच्छी अप्रोच मानी जाती है, क्योंकि इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं, अपने जो व्यूज हैं दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो इसलिए ये अप्रोच बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आपको इस चीज को भी समझना है। चलिए शाबाश, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द बिगिनिंग ऑफ ए चैप्टर मोशन एंड टाइम। ठीक है, एक चैप्टर है भाई मोशन एंड टाइम। ए टीचर विशेज हर स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, है ना। एक टीचर क्या करता है कि भाई अपना जो स्टैंडर्ड यूनिट है डिस्टेंस की वो देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर द पर्पज। कौन सी एक एक्टिविटी होगी जो मोस्ट सुटेबल होगी। हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, मानक इकाइयों के महत्व की आवश्यकता बताना समझाना चाहती है भाई टीचर। ठीक है, कौन सा क्रियाकलाप सर्वाधिक उपयुक्त होगा। शाबाश, क्या बताएंगे आंसर। जी हाँ, प्रीति सिंह कह रहे हैं डी, वेरी गुड। और कोई और कोई भाई शाबाश आंसर बताएंगे जल्दी से। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बता पा रहा है। चंचल चौहान कह रहे हैं ए, वेरी गुड। और कोई भाई शाबाश जल्दी से। विद्यार्थी कदमों से अपनी कक्षा की लंबाई मापते हैं और अपने निष्कर्ष साझा करते हैं। विद्यार्थी अपनी कक्षा की लंबाई ज्ञात करने के लिए मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। विद्यार्थी मीटर के पैमाने की तुलना 12 इंच के पैमाने से करते हैं और अपने अवलोकनों को नोट करते हैं। विद्यार्थी अपने कक्षा के दरवाजे की ऊंचाई का इंच में आकलन करते हैं। जी हाँ, क्या आंसर होगा। जी हाँ, चंचल चौहान, पूजा आर्या, परमवीर सिंह, अंजू नायक, कुमारी मधु, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। हिंदी नहीं आती सर तो एक बार इंग्लिश में देख लीजिए। क्या है, स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ द क्लासरूम इन फुटस्टेप्स एंड शेयर देयर रिजल्ट्स। ठीक है, मतलब फुटस्टेप्स नापेंगे और फिर अपने रिजल्ट को शेयर करेंगे, और यही होगा हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए जो फुटस्टेप्स होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। जब आपने क्लासरूम को मापा तो किसी के पता चले 20 फुटस्टेप्स आए, किसी के 22 आ गए, किसी के 25 आ गए, किसी के 18 में ही हो गया। तो यहां पर क्या है, हमें क्या बताना था कि भाई मानक इकाइयां होनी क्यों आवश्यक है? इसीलिए आवश्यक है क्योंकि जो मानक इकाइयां हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, मीटर पैमाने का भाई वो तो फिक्स्ड है, उतना ही रहेगा, जितने मर्जी नाप लो, ठीक है। उसके बाद में 12 इंच के पैमाने से कर रहे हैं, वो भी उतना ही रहेगा, तो वो भी फिक्स्ड है, ये भी मानक है। उसके बाद में विद्यार्थी अपनी कक्षा के दरवाजे की ऊंचाई इंच में माप रहे हैं, तो वो भी फिक्स्ड रहेगा। लेकिन क्योंकि उसको महत्व बताना है, तो वो क्या करेगी कि भाई एक काम करो, कदमों से मापो, फिर वो कहेगी कि देखो भाई कदमों से सबके अलग अलग आए हैं ना, तो इसलिए हमें मानक इकाई को लेकर चलना चाहिए, ठीक है। तो भाई इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक सही रहेगा? ए वाला रहेगा कि आप कदमों से मपवा दो भाई, ठीक है। चलिए एक और अप्रोच देख लेते हैं फटाफट, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। और नाम से ही दिख रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, क्या जहां पर हमारे सामने कोई समस्या होती है, हम बच्चों के सामने कोई समस्या को रखते हैं और बच्चे मिलजुल कर उस समस्या का समाधान करते हैं, तो ये अप्रोच क्या कहलाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। 10/1/2022 को आया हुआ प्रश्न है, शाबाश PSA। जी हाँ, परमवीर सिंह ने मुझे याद दिलाया, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को PSA भी कहा जाता है, आपको याद रखना इस बात का। शाबाश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल? बेस्ट बताना है भाई, चारों सही हो सकते हैं, आपको बेस्ट बताना है। ऑफ एन ऑथेंटिक टास्क टू असेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू केमिकल चेंजेस। यहाँ केमिकल चेंजेस से रिलेटेड यदि आपको कुछ टास्क करवाना है, समझाना है, तो सबसे बेस्ट क्या होगा? जी हाँ शाबाश, क्या होगा सबसे बेस्ट? हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक ऐसा कक्षा कक्ष बनाए जिसमें लोहे की कील जंग लगने से सुरक्षित रहती है। समुद्री जल के खारेपन को कम करने के लिए निष्पंदन तंत्र की व्यवस्था स्थापित करें। लोहे की एक कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डालने पर उसमें होने वाले परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक देखें। रासायनिक परिवर्तन करने के लिए कम तापमान बनाए रखने के लिए शीतलन कक्ष तैयार करें। जी हाँ, क्या होगा? अर्जुन नायक कह रहे हैं सी, इरफाना मुदस्सर कह रहे हैं जी ए, चंचल चौहान कह रहे हैं सी, और वेरी गुड इरफाना जी, मैं आपका नाम लिख रहा हूं यहां पर क्योंकि आपका आंसर जो ए है वो है बिल्कुल सही, ठीक है जी। इरफाना जी का आंसर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये करना, एक ऐसा चैम्बर डिजाइन करना जिसमें आयरन नेल्स हमारे लिए बड़ा इजीली अवेलेबल है। इस चीज को समझो, चीजें सारी सही है, सबसे ज्यादा इजी कौन सा है? ये इजी है कि हम एक ऐसा चैम्बर बनाएं, मान लो एक डिब्बा है, हमने ऐसा लिया, हमें क्या करना है, उसके अंदर आयरन नेल्स रखने हैं और उसको क्या करना है, हमें एयर टाइट रखना है ना। उसके अंदर ना हवा ना जा सके और ना ही उसके अंदर कोई नमी जा सके, ना पानी हो उसके अंदर, तो रस्ट कभी होगा ही नहीं, है ना। क्योंकि रस्टिंग कब होगी? जब उसको ऑक्सीजन मिलती है, जब उसको नमी मिलती है, जब उसको पानी मिलता है, तभी तो होगी ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट एक डिब्बा लें, उसमें से जो है भाई एक बार ऑक्सीजन निकाल दी, मान लो कुछ भी करके, मोमबत्ती वगैरह जला के, और उसको फिर आपने बंद करके रख दिया, कभी भी जो नेल्स है वो कभी भी रस्ट होंगे ही नहीं। तो ऐसा इजीली किया जा सकता है। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन विल बी द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन। ओके, चलिए शाबाश, आगे चलते हैं भाई। कौन सा होगा? एक अगली अप्रोच देख लेते हैं, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच क्या कहती है? जहां पर हम इंक्वायरी करते हैं, है ना, हम जांच करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई हम क्या करेंगे, जो बच्चा होता है वो चीजों को पूछता है ना, बच्चा चीजों को पूछता है और हमें उसको प्रोत्साहित करना है, बच्चे को जांच के लिए कि भाई वो चीजों को, अगर आप कोई भी चीज बता रहे हैं, यदि आप कोई भी चीज बता रहे हैं, तो हमें क्या करना है, बच्चे को प्रोत्साहित करना है कि भाई यदि किसी के दिमाग में कुछ भी इससे अलग है तो आप उसको पूछें, मेरे से जांचें उस चीज को, है ना। तो ऐसा कुछ होगा। शाबाश, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। एक हुक गतिविधि। यस, हुक गतिविधि क्या होती है यहाँ पर बताया गया है। हुक गतिविधि वह होती है जो छात्रों के वर्तमान ज्ञान का उपयोग करती है। जो आपका ज्ञान है, मैं उसमें कुछ ऐसा चीज हुक लगाऊं ताकि आप उसमें सोचने को मजबूर हो जाए कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, हुक, है ना। तो जिससे उसकी क्या होगी, रुचि पैदा हो करती है। प्रकाश संश्लेषण के विषय में एक परिचयात्मक पाठ शुरू करते समय सुश्री सलोनी के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी हुक गतिविधि होगी? कौन सी सबसे अच्छी हुक गतिविधि होगी? शाबाश, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, आंसर देंगे जल्दी से। व्हाट विल हैपन इफ लीव्स आर रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट्स? यदि वो ये प्रश्न पूछते हो तो क्या ये हुक विधि है? What are the different sources of nutrients of autotrophs and heterotrophs? क्या ये हुक विधि होगी? किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण की बात करें, शब्द को समझ के चलेंगे। What are the factors required for photosynthesis? कौन से फैक्टर्स है, क्या ये बात होगी। Have you seen plants that have non green leaves? क्या ये हुक विधि होगी? जी हाँ, अगेन इरफाना मुदस्सर जी का आंसर बिल्कुल सही है। आप बच्चों से सीधा सीधा पूछेंगे कि भाई क्या हो यदि हम सारी की सारी जो पत्तियां हैं वो किसी प्लांट से निकाल दें, तो उससे क्या होगा, बच्चे के माइंड में आएगा कि भाई क्या हो सकता है उससे। तो बच्चा जो अगर उसको पता है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, या बाद में आप भी बता सकते हैं कि जो पत्तियां होती हैं वही तो प्रकाश संश्लेषण करती हैं, और यदि सारी पत्तियां हटा दी तो पेड़ जो हो प्रकाश संश्लेषण कर ही नहीं पाएगा। तो ये क्या है, एक हुक विधि है। बच्चा एक बार सोचेगा, इमेजिन करेगा कि हमें एक ऐसा पेड़ है जिसमें पत्तियां है ही नहीं। दैट्स वाई हमारा आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, जो कि अब आ चुका है पूजा आर्या का, सुशील कुमार का, पूजा कौशिक का, सभी का। जी हाँ, चलिए भाई अगला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद में क्लास को एंड करते हैं, टाइम हमारा होने वाला है। शाबाश, जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्क्रिप्टर ऑफ इंक्वायरी टीचिंग इन साइंस। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में जांच शिक्षण का वृत्तांत नहीं है। जहां पर टीचर जांच ना कर रहा हो वो देखना। शाबाश, जल्दी से बताएंगे। शिक्षक छात्रों को उनके विचारों के अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करता है। नहीं है बताना है आपको, ठीक है, नहीं वाला बताना है, नोट वाला बताना है। शिक्षक छात्रों को एक दूसरों के संप्रतिकरण को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षक सबूतों साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्षों के विकास पर बल देता है। शिक्षक एक प्रयोग के संचालन के चरणों को प्रदान करता है। शाबाश, क्या आंसर होगा इसका? शाबाश, जल्दी 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 आंसर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद भाई क्लास है हमारे राहुल सर की, उस क्लास में जरूर बने रहें, बहुत अच्छी साइंस पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद 11 से 12 जी हाँ मेरी अगेन क्लास होती है सीडीपी की, उसमें भी आप जरूर आएंगे, ठीक है। तो जल्दी से पहले इसका आंसर देंगे। इट इज आवर लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ, चंचल चौहान ने आंसर दिया है डी। इसी का दिया है क्या? कुमारी मधु कह रहे हैं ए, तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ, इसका आंसर डी है, बिल्कुल सही। अगर चंचल चौहान ने इसका दिया तो ठीक आंसर है, अदरवाइज हाँ बिल्कुल इसी का आंसर दिया था तो डी ठीक है। क्यों ठीक है वो मैं बता रहा हूं, क्या है, जांच शिक्षण का वृत्तांत नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए, शिक्षक छात्रों को उनके विचारों के अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करता है, कि भाई जो उनके विचार हैं उसके लिए वो प्रोत्साहित कर रहा है, तो इसका मतलब तो भाई जांच विधि चल रही है, उनके विचार आएंगे तभी तो जांच करेगा। तो यहाँ पर क्या है, छात्र कुछ कर रहा है। अगेन, शिक्षक छात्रों को एक दूसरे के संप्रतिकरण को चुनौती देने के लिए कह रहा है, तो अगेन छात्र कर रहे हैं, तो ये भी होगा। उसके बाद शिक्षक सबूतों साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्षों का विकास पर बल दे रहा है ना, जो भी उसके जो निष्कर्षों का जो विकास है उस पर बल देता है, वो भी उनकी सोच को प्रभावित करेगा। लेकिन शिक्षक एक प्रयोग के संचालन के लिए चरणों को प्रदान कर रहा है, शिक्षक खुद प्रदान कर रहा है, तो उसमें बच्चों को सोचने का मौका ही कहाँ मिला। जब शिक्षक ही सारा काम कर रहा है तो बच्चा कहाँ सोच रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई आगे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं चलते चलते, हमारे पास है 1 मिनट और। शाबाश, जल्दी से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइंस द मोस्ट विद द इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण अधिगम के प्रति जांच आधारित उपागम के साथ सबसे अधिक संरेखित है। मतलब क्या है भाई, अलाइंड है उसके साथ में, मतलब मिला जुला है इंक्वायरी बेस्ड के हिसाब से। जल्दी से प्रश्नों को पढ़ेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे, आंसर देंगे। छात्र पाठ्यपुस्तक के अनुरूप निर्धारित गतिविधियां कर रहे हैं। छात्र समूह में बैठे और मिलकर एक अनुसंधान की योजना बना रहे हैं। शिक्षक खिलौनों के जरिए विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझा रहा है। शिक्षक छात्रों को नवाचारी गतिविधियां गृह कार्य के रूप में दे रहा है। जी हाँ, क्या आंसर होगा भाई? जांच आधारित है भाई, इंक्वायरी बेस्ड है। क्या रहेगा हमारा आंसर? बिल्कुल सही जा रहा है जी, जिनका जवाब है परमवीर सिंह जी, आपने आंसर दिया बी, पूजा आर्या ने भी कहा बी, और कुमारी मधु ने भी कहा बी, और लेकिन सबसे पहले आंसर आया परमवीर सिंह का। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हिज नेम हियर, ठीक है जी। परमवीर सिंह ने सबसे पहले आंसर दिया बी। क्यों? क्योंकि देखिए, छात्र समूह में बैठे हैं और मिलकर एक अनुसंधान की योजना बना रहे हैं। योजना बनाने का मतलब वो सोच रहे हैं, है ना, जो उनकी जो सोच है वो आ रही है, वो इंक्वायरी कर रहे हैं उस चीज के बारे में, ये चीज हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। दैट्स व्हाई हमारा आंसर ये होगा, बिल्कुल सही। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। जल्दी ही आने वाले हैं, सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आ जाएंगे हमारे कुमार राहुल सर, जब आपकी क्लास होगी साइंस की। तो तब तक के लिए बने रहें, और 11 से 12 क्लास मेरी होगी सीडीपी की, जहां पर हम फिर से पढ़ेंगे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज रहेगा हमारा टॉपिक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही मतलब मुझे फैसिनेटिंग सा लगता है, और उसका नाम क्या है, मोरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास। क्या होती है नैतिकता, कैसी होती है नैतिकता, क्यों होती है नैतिकता, वो सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे, ठीक है। तो जल्दी ही मतलब मैं आता हूं दोबारा से, तब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।